आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में पहले परियोजनाएं अटकाना, लटकाना, भटकाना ये उनकी कार्य संस्कृति का हिस्सा बन गया था, यही उनका कार्य करने का तरीका बन गया था। ईमानदार टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई, उसका नुकसान होता था। हमने टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म तैयार किया, पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान लेकर के आए और 1600 लेयर में डेटा के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोजेक्ट को गति देने का काम हो रहा है। जो योजनाएं बनाने में महीनों लग जाते थे, वो आज सप्ताहों के भीतर भीतर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हम भली भांति समझते हैं, स्केल का भी महत्व समझते हैं, स्पीड का भी महत्व समझते हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से परमानेंट सॉल्यूशन और परमानेंट एस्पिरेशन का एड्रेस करने का प्रयास आदरणीय सभापति जी हम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कोई भी जब सरकार में आता है तो देश के लिए कुछ करने के वादे करके आता है, जनता का कुछ भला करने के वादे करके आता है, लेकिन सिर्फ भावनाएं व्यक्त करने से बात बनती नहीं है। आप कह दें कि हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, जैसे कभी कहा जाता था गरीबी हटाओ, चार चार दशक हो गए हैं, हुआ कुछ नहीं। इसलिए विकास की गति क्या है, विकास की नीयत क्या है, विकास की दिशा क्या है, विकास का प्रयास क्या है, परिणाम क्या है, ये बहुत मायने रखता है। सिर्फ आप कहते रहे कि हम भी कुछ करते थे, इतने से बात बनती नहीं है। आदरणीय सभापति जी, जबकि हम जनता को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर, उनकी आवश्यकताओं, और जब जनता की इतनी बड़ी आवश्यकताओं के लिए मेहनत करते हैं तो हम पर दबाव भी बढ़ता है, हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, हमें परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन हमने, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, श्रेय और प्रेय, हमने श्रेय का रास्ता चुना है, प्रिय लग जाए आराम कर ले वो रास्ता हमने नहीं चुना है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे, दिन रात खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन के एस्पिरेशन को चोट नहीं पहुंचने देंगे, और उसके एस्पिरेशन सिद्धियों में परिवर्तित हो जाए और देश विकास की यात्रा को पार करे, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। इन सपनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं और हमने वो करके दिखाया। आदरणीय सभापति जी, अब आप देखिए, देश आजाद हुआ तब से 2014 तक 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, और लोगों की मांग भी थी, लोग सांसदों के पास जाते थे कि हमें एलपीजी कनेक्शन मिल जाए, और उस समय 14 करोड़ घरों में था, डिमांड भी कम थी, प्रेशर भी कम था, आपको गैस लाने के लिए खर्चा भी नहीं करना पड़ता था, आपको गैस पहुंचाने के लिए व्यवस्था, आप भी मजे में, चलती भी गाड़ी, काम होता नहीं था, लोग इंतजार करते रहते थे। लेकिन हमने सामने से होकर के तय किया कि हर घर को एलपीजी कनेक्शन देंगे, हमें
हमें मालूम था कि हम कर रहे हैं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें मालूम था हमें धन खर्च करना पड़ेगा। हमें मालूम था हमें दुनिया भर से गैस लाना पड़ेगा। ये सब दबाव की संभावना जानने के बावजूद भी हमारी प्राथमिकता मेरे देश का नागरिक था, हमारी प्राथमिकता हमारे देश के सामान्य लोग थे। और इसलिए हमने 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास गैस कनेक्शन पहुंचाए। नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ा, धन खर्चना पड़ा। आदरणीय सभापति जी, इस एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, लेकिन हमने आनंद के साथ, संतोष के साथ, गर्व के साथ इस मेहनत को किया। और मुझे खुशी है कि सामान्य मानवी को उसका संतोष मिला। इससे बड़ा एक सरकार के लिए संतोष क्या हो सकता है। आदरणीय सभापति जी, आजादी के अनेक दशकों के बाद भी इस देश में 18,000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, और ये गांव अधिकतर हमारे आदिवासी बस्ती के गांव थे, हमारे पहाड़ों पर जिंदगी गुजारने वालों के लोगों के गांव थे, जनजातीय से गांव थे, नॉर्थ ईस्ट के गांव थे। लेकिन ये उनके चुनाव के हिसाब किताब में बैठता नहीं था, इसलिए इनकी प्रायोरिटी नहीं था। हम जानते थे ये कठिन काम इन्होंने छोड़ दिए हैं। हमने कहा हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं। हम इस चुनौती को भी उठाएंगे, हम इस चुनौती को भी उठाएंगे। और हमने हर गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प उठाया, समय सीमा में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई। और उस चुनौतीपूर्ण काम करने के पीछे गांवों में एक नई जिंदगी की अनुभूति हुई, उनका विकास तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई देश की व्यवस्था पर उनका विश्वास बढ़ा। और विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। जब देश के नागरिकों का विश्वास बनता है तब वो लाखों करोड़ों गुना एक सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाता है। वो विश्वास हमने जीता है और हमने मेहनत की, हमें मेहनत पड़ी। लेकिन मुझे खुशी है उन दूर दराज के गांवों को आजादी के इतने सालों के बाद नई आशा की किरण दिखाई दी, संतोष का भाव प्रकट हुआ और वो आशीर्वाद आज हमें मिल रहे हैं। आदरणीय सभापति, पहले की सरकारों में कुछ घंटे बिजली आती थी, कहने को तो लगता था बिजली आ गई, गांव के बीच में खंभा डाल दिया तो हर साल उसकी समर्थनी मनाते थे, 15 तारीख को खंभा डाल आ गया। बिजली तो आती नहीं थी, आज बिजली पहुंची इतना ही नहीं, औसत हमारे देश में 22 घंटे बिजली देने के प्रयास में हम सफल हुए हैं। हमें इस काम के लिए नई ट्रांसमिशन लाइनें लगानी पड़ी, हमें नए ऊर्जा उत्पादन के लिए काम करना पड़ा, हमने सौर ऊर्जा की ओर जाना पड़ा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी का नए क्षेत्र खोजने पड़े, हमने लोगों को उनके भाग्य पर नहीं छोड़ दिया, राजनीतिक फायदे घाटे की बात नहीं सोची, हमने देश का आने वाली कल उज्जवल बनाने का रास्ता चुना, हमने खुद के लिए दबाव बढ़ाया, लोगों की मांग बढ़ने लगी, दबाव बढ़ने लगा, हमने मेहनत वाला रास्ता चुना। और इसके नतीजे आज देश देख रहा है, देश ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।